सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शैलेश परमार, आप सब कैसे हो? तो गाइस, आज हम जगह पे आए बहुत ही ब्यूटीफुल वाटर फॉल और बहुत ही सुंदर, अब मतलब एकदम अद्भुत है। और ये जगह मतलब जंगल के बीच में आई हुई है। और यहाँ तक आने के लिए ना गाइस, हम लोगों ने काफ़ी सारी बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी मकसद हिंदी में वर्ड मुझे मालूम नहीं है क्या था है, सॉरी मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, बट काफ़ी सारे हमने बहुत मुश्किलें झेली है। तो यहाँ तक आने के लिए हमने एक पहली रोरो फेरी ली, ठीक है, जो नदी थी उस पर। देन हमने लिया एक वाटर क्रॉसिंग और देन हम लोग ने ऑफ रोडिंग किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे। तो चले स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक कैसे आना है, क्या है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और अभी चलते हैं। तो गाइस, आपको अगर ये वाटरफॉल पे आना है तो आपको सीधा सीधा रास्ता मैं सजेस्ट करता हूँ, गूगल के भरोसे मत बैठना। गूगल आपको दो और जगह रास्ता बताएगा जो ऑफ रोड है, मतलब वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, ना टू व्हीलर ना फोर व्हीलर। हम लोग ये ऐसे ही घूम घूम के आए हैं, तो आपको एक सीधा रास्ता बताता हूँ अगर जाना है। आप लोग ये जो रोड देख सकते हो, ये रोड है, ये जगह का नाम है रजलवाड़ा, ठीक है। आप गूगल पे सिर्फ सिंपली सर्च कीजिए रजलवाड़ा करके, ये उसकी लोकेशन डालिए और इसके जस्ट आगे ये जो बोर्ड दिख रहे हो, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। वैसे जो आपका ब्लू कलर का बॉल दिख रहा है रजलवाड़ा करके, उस पर लिखा हुआ है, उसकी जस्ट आगे जाओगे, वो जो बाइक वाले भैया अभी गए ना, वहाँ से रास्ता है, राइट टर्न लेना है और वहाँ से आपको ऑफ रोड मिलेगा, मतलब कच्चा रास्ता मिलेगा। वहाँ से आप जाइएगा, आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ पर जाके किसी को एक बार पूछ लेना, एक गाँव आएगा, गाँव के आगे रास्ता है, तो वहाँ से आप अंदर और एक राइट लेना पड़ेगा और वहाँ से आपको वाटरफॉल का रास्ता मिल जाएगा। अगर कुछ दिक्कत हुई तो मैं रजलवाड़ा की लोकेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, आप सीधे यहाँ से आना और यहाँ पे एक शॉप है तो उनसे एक बार पूछ लेना कि कहाँ जाना है। आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। ये जो सीधा रास्ता है ना, वो अपने कपाट साइड से आएगा, लेकिन बीच में नदी पड़ेगी तो आप वो रास्ता मत लीजिएगा। ये जो रास्ता है नेत्रंग वाला है, तो आप ये रास्ता लीजिएगा जो सीधा डायरेक्ट नेत्रंग निकलेगा, तो वहाँ से आइए और यहाँ पे ऐसी ढलान दिखेगी, वहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी किसी तरफ से आप जाएंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, तो शायद सभी गाड़ी या तो भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर वो अंदर नहीं जा सकती। तो एक बार यहाँ से आना, यहाँ से इजी रास्ता है तो चले जाएंगे। तो आप लोग को यहाँ तक आना है तो आप आ सकते हो बाइक लेके, बट यहाँ तक आने का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑफ रोड है, तो मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा सभी के लिए। बट आप लोग आते हो तो यहाँ पे बाइक पार्क कर सकते हो। अगर नहीं आना है तो ऊपर एक जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने बाइक या अपना व्हीकल पार्क किया होता है, तो आप वहाँ पे पार्क कर दो और अभी हम चले वाटर क्रॉसिंग का मज़ा लेते हैं, नहीं वाटर नहीं वाटरफॉल का मज़ा लेते हैं। जैसे कि आपने सिनेमेटिक में देखा, वाटरफॉल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये अनएक्सप्लोर है, मतलब बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है इसको। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देखो, जहाँ तक देखो वहाँ तक नहाने की जगह है, वह दिखाता हूँ।
आप देख रहे हो वहाँ तक नहाने की जगह है, वहाँ तक लोग नहा भी रहे एक्चुअली, और यहाँ पे पानी थोड़ा गहरा है तो आप लोग आओ तो एक बार देख लेना। और बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे, सो गाइस संभल के। और फाइनली ये यहाँ पे अपना वाटरफॉल है, ऊपर भी जगह है, ऊपर भी आप नहा सकते हो। ऊपर अपना फ्रेंड नील वो नहा ही रहा है वहाँ पे, और हम भी मतलब काफ़ी थक गए तो हम भी चलो नहाते हैं और आनंद लेते हैं इस वाटरफॉल का। और गाइस आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके आया हूँ यहाँ पे, बहुत मेहनत की आने के लिए लिटरली सच में। तो गाइस एक बार इसको वायरल कर दो वीडियो को, चलिए अभी नहाने चलते हैं।